अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिर्ची वड़े की रेसिपी। ये खाने बहुत ही टेस्टी लगती हैं। बारिश हो रही है और मिर्ची वड़े या मिर्ची के पकौड़े मिल जाएं तो बारिश का मज़ा दोगुना हो जाता है। ये बड़ी आसान सी रेसिपी देखिए हम किस तरह बनाते हैं। यहाँ मैंने दो मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, जिसे मैंने बारीक बारीक मैश कर लिया है। मैंने यहाँ पर मोटी वाली हरी मिर्च ली हैं। फ्रेंड्स, ये बारिश के मौसम में आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, आप भी इसी तरह की मिर्ची लीजिएगा, ये तीखी कम होती हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है अपनी स्टफिंग तैयार करने के लिए। हम मिर्ची में एक अच्छी सी स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 1 टीस्पून क्रश करा हुआ ज़ीरा लिया है। यहाँ मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची ली हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी मिर्ची के टेस्ट के हिसाब से ही मिर्ची का यूज़ कम करिएगा, क्योंकि हम हरी मिर्च का पकौड़े बना रहे हैं तो इसलिए आप हरी मिर्च भी कम यूज़ करिएगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके यूज़ करा है, अदरक का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून से भी कम हल्दी पाउडर का यूज़ करा है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का यूज़ करा है। फ्रेंड्स, हम मिर्ची के पकौड़े बना रहे हैं इसलिए आप मिर्ची का यूज़ कम ही करिएगा। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। हमें यहाँ पर सभी सूखे मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे हमने अपने मैश करे हुए आलू डाल दिए हैं, 1/2 टीस्पून नमक लिया है। नमक आपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून अमचूर पाउडर लिया है। इसे आप इसे दबा दबा कर अच्छे से मिला लीजिएगा। हमारे सभी मसाले आलू में अच्छे से मिल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हम इसको भी अच्छे से मिला लेंगे आलू के स्टफिंग में। अब हम इसे कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि हमारी जो मिर्ची में फिलिंग करें तो हमारी जो फिलिंग है स्टफिंग है वो अच्छे से ठंडी हो जाए। यहाँ मैंने एक हरी मिर्च ली है। फ्रेंड्स, आप इसको बीच में से इस तरह कट करिएगा। और इसके सभी बीजे आप निकाल दीजिएगा। अगर आपकी मिर्ची तीखी होगी, बीजे निकल जाने के बाद आपकी मिर्ची का तीखापन कम हो जाएगा। आप चम्मच की हेल्प से अपनी स्टफिंग मिर्ची में अच्छे से फिल करिएगा। आप देख सकते हैं कि हमारी जो फिलिंग है आलू की कितनी अच्छे से स्टफ हो गई है। स्टफ करने के बाद आप मिर्ची को अच्छी तरह से पैक कर दीजिएगा, जिससे तेल में जाने के बाद मिर्ची खुले नहीं। सभी मिर्चों को अच्छे से स्टफिंग कर लिया है आलू की फिलिंग भर के। यहाँ मैंने एक बाउल में 2 टेबलस्पून भर के बेसन लिया है। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून से भी कम अजवाइन लिए, जिसे मैंने दोनों हथेलियों से अच्छे से क्रश कर लिया है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और ये हमें डाइजेस्ट भी करती है। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून नमक लिया है। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बेसन में थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करा है। आप भी कम कम पानी ऐड करिएगा। अगर आप ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो बेसन में गुठलियाँ पड़ जाएंगी। आप इस तरह लगातार चलाते हुए बेसन को फेंटिए और इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, हमें इस पेस्ट को गाढ़ा ही रखना है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कितना गाढ़ा बेसन का पेस्ट बना के तैयार करा है। मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ऑयल गर्म कर लिया है। आप भी मीडियम फ्लेम पर ही ऑयल गर्म करें। ज़्यादा तेज़ ऑयल गरम करने से हमारी जो मिर्ची की स्टफिंग है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। हमें बेसन में अच्छी तरह से हरी मिर्चों को कोट करके फ्राई कर लेना है। आप यहाँ पे हरी मिर्च 2 या 3 करके ही फ्राई करिएगा, क्योंकि हरी मिर्च हमारे यहाँ बड़ी बड़ी हरी मिर्चें होती हैं, ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाती अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो। आप किसी भी चम्मच की हेल्प से मिर्चों को अच्छे से पलट पलट कर फ्राई करिएगा, ताकि हमारी मिर्चों में अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। आप देख सकते हैं कि हमारी हरी मिर्चों का गोल्डन कलर बहुत अच्छे से आ गया है। हमारी मिर्ची वड़ा बनके तैयार हो गए हैं। इसी तरह मैं इसे टिश्यू पेपर में निकाल लूँगी। मैंने यहाँ पे दूसरा बेज भी फ्राई कर लिया है। फ्रेंड्स, हमारी मिर्ची वड़े बनके तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल कुकिंग एनी टाइम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।